students, I am Dr. Meenakshi. Today we will discuss about the remedy euphrasia. Euphrasia ka pura naam hai euphrasia officinalis. It belongs to plant kingdom and family Scrophulus. Iska common name hai eyebright. Kyun bolte hai isko eyebright? Because from the traditional time ye jo herb hai ye aankhon ki disease, various types of ailments unko theek karne ke kaam aati rahi hai. And that's from there the remedy got the common name eye bright. Ki kahan paya jata hai zyadatar ye European countries mein jahan par inke liye environment suitable hota hai wahan par ye milta hai. Iska whole fresh plant hum mother nature banate hain jo ki medicine banane ke kaam aata hai. So part used of this plant for the preparation of medicine is whole fresh plant. Now come to the next section, which is very important, pathophysiology of the remedy. Kis tarah se ye remedy, kahan par iska zyada action hota hai aur ye body mein kaise changes laate hain. Is euphrasia has a tendency to produce catarrhal inflammation in the membrane of the respiratory tract and eye. जो आईज के इनसाइड जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, उनमें ये इन्फ्लेमेशन करता है, कैटरल इन्फ्लेमेशन करता है, दैट मींस इंक्रीज सिक्रीशंस हैं, इवन नेजल म्यूकोसा में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, वहां पे भी इसका इंक्रीज सिक्रीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिजीज कंडीशन है वहां पर ये अच्छा एक्शन करता है और इसकी टेंडेंसी रहती है इन्फ्लेमेटरी कैटरल इन्फ्लेमेशन. राइट, म्यूकस मेम्ब्रेन का कहीं भी होगी लेकिन स्पेशली यूफ्रेशिया का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो आई नोज पर ज्यादा अच्छा होता है. नाउ द गाइडिंग इंडिकेशंस ऑफ द रेमेडी, कहां पर हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके साइंस सिम्टम सिम्टोमेटोलॉजी है, दैट वी विल डिस्कस. सो मोस्टली जो कैटरल इन्फ्लेमेशन है आईज का, वहां पर पेशेंट क्या सिम्टम लेकर आता है कि आंख से पानी बहता है, आंख से डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही बर्निंग और एक्सकोरेटिंग होता है. इवन उसमें अगर वो पेशेंट के अगर आंखों में ईयर आई से डिस्चार्ज हो रहा है, व्हेन इट टचेस विद चीक्स आल्सो दैट पार्ट आल्सो गिव द बर्निंग सेंसेशन, दैट पार्ट आल्सो गेट कोरोटेड. मतलब क्या है कि एक्यूट कंडीशन, एक्यूट कोल्ड कफ और राइजेटी कंडीशन में पेशेंट का इंफ्लेमेशन का मेम्ब्रेन में आंख से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, लेकिन आंख से पानी जो आता है वो जलन पैदा करता है और नेजल डिस्चार्ज जो है वो ब्लेंड होता है. ये हमने प्रीवियसली जो रेमेडी पढ़ी है एलियम सीपा, उसका जस्ट अपोजिट है. एलियम सीपा के केस में अगर हम कंपेयर करें, वहां पर जो नेजल डिस्चार्ज है दैट इज एक्यूरेट, इसकी वजह से पेशेंट का लिप कोरोड हो जाता है, नेजल डिस्चार्ज जब टच करता है, आईज का भी डिस्चार्ज होता है, बट दैट इज ब्लैंड. दिस इज द अपोजिट कंडीशन वी सी इन दिस रेमेडी. एंड बहुत प्रैक्टिकली ये सिम्टम्स पे पेशेंट का मेडिसिन यूज होती है. एक्यूट कोराइजा के अलावा ऑप्थेल्मिक कंडीशन जो है या कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में आईज में अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं जहां पर बर्निंग अकंपनी हो रही है, दैट वी कैन थिंक अबाउट यूफ्रेशिया. जो ट्रॉमेटिक कंजंक्टिवाइटिस है, किसी ट्रॉमा की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ है, ब्लेफ्राइटिस की कंडीशन है विच इज अकंपनीड विथ फोटोफोबिया, उसकी में भी हम मेडिसिन अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कंजंक्टिवा. ऐसा रेमेडी का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, एक्सटेंड टू कॉर्निया, लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब पूरी जो आपको आईज के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो सब पर एक्शन करता है. और क्या सिम्टम लेके पेशेंट आ सकता है कि हमेशा पेशेंट बताएगा कि आंख भरी भरी रहती है. इट इज लाइक दे फील लाइक देयर आईज आर डिप्ड इन वाटर फ्लूइड, आंख में हमेशा पानी भरा रहेगा. मॉर्निंग के समय में जब आंख खुलती है तो देयर इज एग्लूमिनेटेड लिक्विड, कुछ येलो पस लाइक सब्सटेंस जो आंख में जमा हो जाता है. ये इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आईज के में ये सिम्टम्स हम देखते हैं जहां पर हमें इस मेडिसिन
को दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट सेक्शन अबाउट द नेजल सिम्टम्स. जैसे ऑलरेडी पता है कि नेजल एनी कंडीशन एक्यूट कैटरक्ट कंडीशन में जैसे सर्दी बुखार खांसी, लेकिन पेशेंट का जो डिस्चार्ज है नेजल डिस्चार्ज है वो ब्लैंड होगा, वो जलन पैदा नहीं करेगा. अलॉन्ग विद दैट पेशेंट की नेजल सेप्टम स्वोलन हो सकती है एंड इफ द इन्फ्लेमेशन गोज डाउन, अगर वो थ्रोट में ज्यादा लंग्स हो जाता है तो पेशेंट को खांसी जैसे सिम्टम आएंगे. अब स्पेशलिटी स्पेसिफिक यूफ्रेशिया और कफ कैसा होता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर कि यूफ्रेशिया का पेशेंट जो है कफ सिर्फ दिन के समय में करेगा, कफ ओनली एट डे टाइम, और इवनिंग में पेशेंट को आराम मिलता है. ये सिम्टम्स याद करने के लिए है. इसकी मोडालिटी इंपॉर्टेंट है कि दिन के समय में पेशेंट को एग्रवेशन होता है. अलॉन्ग विद दैट जो कफ है उसमें म्यूकस निकलेगा, येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है, सिम्टम फॉग कर सकता है. इसलिए फ्रॉम द नॉर्मल कोल्ड एंड कफ टू वूपिंग कफ की रेमेडी यूज हो सकती है अगर सिम्टोमेटोलॉजी मैच होती है. नाउ हमने ये दोनों सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया. आईज एंड नोज के अलावा दिस रेमेडी ऑल्सो हैज गुड एक्शन ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पेशेंट कंप्लेन करती है, फीमेल कंप्लेन करती है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत कम हो गया है, फ्लो ओनली लास्ट फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन का ही फ्लो रहता है, एंड देन देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, दैट इज वो कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया ड्यू टू सम डिजीज रिलेटेड थिंग्स, वहां पर हम उसको सोच सकते हैं. एंड अगर पेशेंट एमेनोरिया की कंडीशन प्रेगनेंसी रिलेटेड एमेनोरिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, रूल आउट करना होगा. एमेनोरिया के साथ में ऑप्थैल्मिया होता है इसको
मोडालिटीज है। जब आंखों में पानी या जो भी नाइट सिम्टम डिस्कस किए थे, आईज वॉटरी है, बहुत डिस्टर्ब है, हमेशा पेशेंट को जब वाइप करता रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा फील करता है, लाइट फील करता है, बिकॉज द सेंसेशन दैट आईज जो है वो पूरे उसमें बीगी हुई है, क्योंकि हमेशा डिस्चार्ज उसमें जो इन्फ्लामेशन है, कैटरल इन्फ्लामेशन की वजह से हमेशा आई से डिस्चार्ज होता रहता है। अपने आप कई लोग बताते हैं कि आंख से पानी गिरता रहता है, दैट वी आर नॉट क्राइंग, हम रो नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी आंख से आंसू आते रहते हैं। इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो वाइप करने से आईज को पेशेंट को अच्छा लगता है। ये कुछ रेमेडी क्लैरिफिकेशन प्रैक्टिकलिटी मैंने आपको बताई है। रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी में हम जैसे हमने बताया कि एलियम सीपा से आप कंपेयर करके रेमेडी को पढ़िए, देन दोनों की डिफरेंस एनालिसिस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नाउ रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज में वन रेमेडी इज कैंफर। कैंफर का क्या रिलेशनशिप है? कैंफर ये जो यूफ्रेशिया है इट एंटीडोट कैंफर एंड फलेरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट यूफ्रेशिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द रेमेडी।